वेलकम टू रन बीटीएस। हम सभी ने बहुत समय बाद एक जैसे कपड़े पहने हैं। हाँ मैं जानता हूँ, हम सातों आज मिनियंस की तरह लग रहे हैं। अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पूरा सेट तैयार है। मैंने सुना है आज हम इंटीरियर डिजाइनिंग करने वाले हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग, मुझे लगता है हमें इस शो के दौरान बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। सही कहा, ये एक्सपीरियंस करने की जगह है। क्या आप में से पहले कभी किसी ने इंटीरियर डिजाइनिंग की है? हाँ मैंने कई बार कोशिश की है। मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने फर्नीचर लगाने की कोशिश की थी। हाँ मैंने तो लगभग सब कुछ ट्राई किया है। मैंने भी ऐसा कुछ बहुत बार ट्राई किया है। आज का एपिसोड है इंटीरियर डिजाइनिंग सीखना। आज बीटीएस इन रूम की पेंटिंग करेंगे और फर्नीचर लगाकर इन रूम की सजावट करेंगे। दोनों टीम एक दूसरे को चुनौती देंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा अपना स्टूडियो। दो लीडर होंगे, एक बॉपर टीम की तरफ से और दूसरा रैपर टीम की तरफ से, जो रॉक पेपर सीजर खेलकर अपने टीम के लिए साथी चुनेंगे। शुगा और जिन बन सकते हैं लीडर। हाँ जो बड़े मेंबर्स हैं वो दोनों। तो चलो बड़े भाइयों। बड़े भाई, हाँ चलो ठीक है। मैंने सुना है जिनके पास पहले से कोई प्लान है। हमें शुरुआत में दीवारों पर पिंक कलर करना है। ये तुम क्या बोल रहे हो? जिनका प्लान तो सुनने में मुश्किल लग रहा है। जिस किसी ने भी ये उफ किया है ना, उसे मैं याद रखूंगा। चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। रॉक पेपर सीजर। ओह जिन जीत गया। तो मैं चुनता हूँ। मैं चेहोक को अपनी टीम में लेता हूँ। अरे नहीं। चेहोक को पिंक रूम बनाना होगा। और मैं चुनता हूँ जंगकुक को। हाँ ठीक है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ऐसे कामों में बहुत मेहनत लगती है। हमें फर्नीचर को अच्छे से जोड़ना होगा। हाँ सही कहा, बहुत मेहनत लगती है। हाँ मैं चीजों को जोड़ने में अच्छा हूँ। रॉक पेपर सीजर। जिन फिर से जीत गया। तो मैं चुनता हूँ। हर कोई दूर देख रहा है, कोई जिन की तरफ नहीं देख रहा। मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कैसे कर रहे थे। हाँ प्लीज हमें बताओ। आरएम ऐसे देख रहा था और वी नीचे देख रहा था और मैं तो कहीं और ही देख रहा था। आप सभी मुझे मनाने की कोशिश कर सकते हैं इस बारे में कि आपको पिंक रूम कितना पसंद है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पिंक रूम पसंद है। तो ठीक है, फिर मैं आरएम को लेता हूँ। पिंक इतना भी बुरा नहीं है, हमारे पास पिंक कलर नहीं है। ओह ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं जिमिन को चुनता हूँ। हाँ तो फिर मेरा क्या होगा? दोनों फिर से रॉक पेपर सीजर खेलो, जो जीतेगा वो तुम्हें ले लेगा। हमें वी को लेना चाहिए, वी इन सब चीजों में कलाकार है। हाँ मेरा स्टाइल अनोखा है। हाँ वो दीवार पे सिर्फ ड्राइंग ही बना सकता है। रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गया, वी मेरी टीम में आ गया। मुझे लगता है ज्यादा लोगों का होना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ सही कहा, मैंने तो सोच लिया है कि हमें क्या करना है। हम तीन ही है ना, हम अपने रूम को साफ सुथरा बनाएंगे। इन दोनों रूम में से किसी एक रूम को चूज करना है। जो टीम सबसे पहले क्विज सॉल्व करेगी उस टीम को पहले मौका मिलेगा और उसी के साथ उन्हें स्टाफ से मदद भी मिलेगी। जवाब बताने से पहले अपनी टीम का नाम लेना जरूरी है। आपकी टीम का नाम होगा टीम शुगा और टीम जिन। आपका पहला क्विज है। ओह हमें क्विज अभी ही करना है। किसी भी पुरानी जगह को नए में बदलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जंगकुक जंगकुक जिमिन वी जिन जंगकुक, मैंने पहले कहा था। टीम जिन शुगा। ओह टीम का नाम लेना था। क्या तुम्हें जवाब पता है? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ रिमॉडलिंग सही जवाब। ओह मैंने सोचा ये रिकंस्ट्रक्शन होगा। हाँ मैंने भी, मुझे अब की बार टीम शुगा बोलना है। इसमें जो जीतेगा उसे स्टाफ से मदद मिलेगी। ओह ये तो बहुत जरूरी है। अगला क्विज है लगातार एक दूसरे के ऊपर तिरछी बॉक्स डिजाइन को क्या कहा जाता है? शुगा हेरिंग बोन सही जवाब। ओह तो क्या बोन का मतलब हड्डी है? तीसरा क्विज है दीवार और छत के किनारों की अलग पहचान कराने के लिए किए जाने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आरएम मोल्डिंग सही जवाब। पर तुमने आरएम कहा, टीम शुगा शुगा टीम शुगा टीम जिन टीम शुगा मोल्डिंग मोल्डिंग। मैंने तुम्हें पोछे की तरह बाहर भेज दिया। मैंने इसे पकड़ लिया, तुमने अच्छा किया। मैं बहुत समझदार हूँ सच में। चौथा क्विज है कपड़े टाइल या लकड़ी से सजाई गई दीवार को क्या कहते हैं? शुगा टीम जिन टीम शुगा। अरे क्या था वो?
इंजन आर्ट वॉल। आपका जवाब सही है। ओ आरएम तो कमाल है। यस। क्या जवाब था वो? आर्ट वॉल। आरएम तुम तो स्मार्ट लग रहे हो, सच में तुम तो बहुत कूल हो। दोनों टीम के पास दो दो पॉइंट्स हैं। पांचवा क्विज है, आप चमकीली चिकनी टाइल्स को क्या कहेंगे? टीम जिन, पोर्सिलेन। नहीं, अरे ये पोर्सिलेन नहीं है, चमकीली टाइल्स। इन्होंने टाइल कहा है, कौन सी टाइल हो सकती है? जिन टीम, सेरेमिक टाइल हो सकती है क्या? नहीं। क्या मैं ये क्विज फिर से सुन सकता हूँ? चमकीली चिकनी टाइल्स को आप क्या कहेंगे जो फर्श के लिए काम में ली जाती है? वी, टीम शुगा, टीम जिन। टीम शुगा ने पहले बोला। क्या हुआ, दो जवाब? शुगा तुम जवाब देना चाहते थे ना, मुझे नहीं पता। मोनोटाइल, गलत जवाब। जेके की मोनोटाइल। ओपा गंगम स्टाइल। कुछ चमकता हुआ, मुझे नहीं पता। क्या हम जवाब का पहला लेटर जान सकते हैं? पहला लेटर है पी। मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, पर पॉलिशिंग टाइल हो सकता है। हाँ, टीम जिन, पॉलिशिंग टाइल, सही जवाब। ओह क्या बात है, जिन तो सच में हमारा लीडर है। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। कुछ चमकीला और चिकना क्या हो सकता है? आपका अगला क्विज है, ऐसे दरवाजे को आप क्या कहेंगे जो फोल्ड हो जाता है? ऐसे दरवाजे ज्यादातर कैफे या दुकानों पे होते हैं। अरे क्या नाम है उसका? हाँ, जो इस तरह से बंद हो जाते हैं। हाँ ऐसे। टीम शुगा, फोल्डेबल डोर। आप जवाब के बहुत करीब हैं। शुगा, फोल्डिंग डोर, सही जवाब। अगला क्विज है, घर की बाहरी दीवारों के ऊपर बनाई जाने वाली जगह को क्या कहते हैं? फर्श भी बनाते हैं। हाँ शुगा, टीम जिन। मैंने पहले कहा ना, हाँ छत। नहीं शुगा, बरामदा, गलत जवाब। टीम जिन, बालकनी, सही जवाब। ओ छत नहीं, बालकनी था। बरामदा और बालकनी एक ही तो है, ये अलग कैसे है? नहीं, दोनों अलग हैं। स्टाफ से मदद के लिए आपको एक और मौका मिलता है। हाँ ठीक है। तो अगला क्विज है, जब दीवार और छत पे रोशनी अपनी परछाई डालती है तो उसे क्या कहा जाता है? टीम जिन, जिन। क्या था वो? इनडायरेक्ट लाइट। हाँ सही जवाब। ओह हमारी टीम ने तो कमाल कर दिया। क्या हुआ, तुम दोनों मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अगला क्विज है, बिल्ड इन फर्नीचर को आप क्या कहेंगे? बिल्ड इन फर्नीचर ही होगा ना, ये तो सेम ही है। हाँ चंगुक चंगुक चंगुक, टीम शुगा। तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है ना? क्या? हाँ मैं समझ गया। हाँ शुगा शुगा शुगा, बिल्ड इन। आपका जवाब सही है। यस। अरे मैंने ये बोला था। जेके तुम्हारा डांस तो माइकल जैक्सन की तरह था। आपका अगला क्विज है, दीवार पर लगाए जाने वाले प्रिंटेड पेपर को क्या कहा जाता है जो आमतौर पे यूज किए जाते हैं? शुगा, सिल्क वॉलपेपर, सही जवाब। क्या सिल्क वॉलपेपर? हाँ ये बाहर से थोड़ा शाइनी होता है। अभी आप दोनों टीम के पॉइंट 5-5 हो चुके हैं। ओ टीम तो अच्छे से डिवाइड हो चुकी है, तो फिर आ जाओ शुगा और आरएम के बीच की लड़ाई। हाँ और मैं भी तो हूँ यहाँ, और मैं भी। दो मूर्खों के बीच की लड़ाई बड़े सम्मान के साथ। मैं चाहता हूँ इस बार ये चुनौती शुगा और आरएम के बीच हो। अगला क्विज है, अंदर की दीवार के नीचे लगाई जाने वाली पट्टियों को क्या कहा जाता है? शुगा, वेंसकोटिंग, सही जवाब। क्या? अरे वाह हम जीत गए। मैं तो सवाल सुनते ही समझ गया था, मुझे तो सिर्फ दीवार सुनाई दिया। ये होता क्या है? वेंसकोटिंग में दीवार के अंदर की तरफ इस तरह की फ्रेम लगाई जाती है डेकोरेशन के लिए। ओ मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो हम जीत गए ना? हाँ, रूम चूज करने के लिए आपको पहले मौका मिलता है। ओ
और भी सवाल है क्या? ये बहुत मजेदार है। हाँ, चार सवाल और बचे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। टीम शुगा जीत गई है। हाँ सही कहा, ये बहुत जल्दी हो गया। अगला क्विज है, दीवार का निचला हिस्सा क्या कहा जाता है? शुगा, बेसबोर्ड। बेसबोर्ड सही जवाब। ओ, आप दोनों ने सही जवाब दिया। हाँ, तुम्हें सारे जवाब कैसे मालूम है? क्योंकि मैंने बहुत से इंटीरियर प्रोजेक्ट्स किए हैं। थोड़े समय का रूम डिवाइडर क्या कहा जाता है? शुगा, नकली दीवार। ओ, अंदर की तरफ धसी हुई छत के ऊपर की गई डिजाइन को क्या कहा जाता है? शुगा, कॉफर सीलिंग। ओ, आप सभी को सारा जवाब कैसे मालूम है? क्या आप हमें सोचने के लिए थोड़ा समय दे सकते हैं? हम अभी सोच नहीं सकते, आप सोच सकते हो। ये सवाल आपसे फिर से पूछा जा रहा है। दीवार के अंदर की तरफ लगाई जाने वाली फ्रेम को क्या कहा जाता है? ये सवाल तो पहले भी सुना है, मुझे तो सिर्फ बेड की फ्रेम के बारे में पता है। पिछली बार शुगा ने इस सवाल का जवाब दिया था। इतना जल्दी हो गया कि हमें तो याद भी नहीं है क्या था। शुगा ने ऐसे किया, जवाब ये है, जवाब ये है, जवाब ये है। उसका जवाब वेंस कोटिंग था। हाँ, वेंस कोटिंग। तुम आज बहुत अलग लग रहे हो। शुगा का सपना था इस तरह का डिजाइनर बनने का। हाँ सच कहा, बचपन में मेरा ये सपना था। चलो आप अभी जल्दी से रूम पिक करो। हम ये वाला रूम पिक करते हैं। टीम शुगा ने रूम ए चूज किया है। चलो फिर हम रूम बी के साथ काम करते हैं। हाँ ठीक है।